आज रात चोरों ने नकब लगाकर चोरी की। थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत सरसई हेलू गांव में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से नकब लगाकर नकदी जेवर सहित पार कर दिए। प्रमोद कुमार पुत्र विश्वेश्वर दयाल अपने घर के बाहर नित्य प्रति काम करने के बाद सो रहे थे। पीछे से दीवार में अज्ञात चोरों ने नकब लगाकर कमरे में घुसाए और घर के बक्से में रखे 45,000 नगद, एक जोड़ी कुंडल, दो जोड़ी पायल, एक चांदी की कंधनी, दो बोरी गेहूं सहित करीब 1,00,000 का सामान पार कर दिया। परिवारी जन जब सुबह उठकर कमरे में गए तो वहां देखा और ये सब देखकर दंग रह गए। सारा सामान चोरों ने पार कर दिया था। प्रमोद कुमार ने घटना की जानकारी चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। प्रमोद कुमार ने बताया वह अपना घर बनवाने के लिए ईंटें लाने के लिए पैसे रखे थे। कैसी घटना हुई आपके घर में? चोरी हो गई है, क्या हुआ, कैसे हुई? ऐसा हुई कि मतलब हम तो संजा घूम गए थे दावत, हम 8 बजे आई घर है, हम यहाँ परे थे और परवे के बाद फिर हम मतलब रात में कछु मोई है सक मालूम पड़ी, हमने जालम बैटरी मतलब मारी तो मोई आदमी मालूम पड़े तो अकेले हमने जा नहीं जानी आपके मेरी पछेला जे हो रो है हम पोन पर पोन के जालम परे थे हम तो पोई दरवाजो रखाए थे ये तो नहीं जानी बालक मेरे जो ऐसे काम हुई है। क्या हुआ? जब हम सवेरे उठे के बाद तारो खोलो जो दरार वालों जब तारो खोलो तो देखे कहा वहाँ मतलब कछु नहीं रहो, बड़ो वालों बक्सा देखो सुबह में बिन्ने कहीं बक्सा कोई उठाई लई हो, फिर ऐसी माँ घूम के गए देखेगा बक्सा वो डरो काका सामान गया तोड़ियाँ गई और कुंडल दो जोड़ी तोड़ियाँ और कुंडल और 45,000 रुपये नहीं दी। हाँ तुमने कब जानी? हमने सुबह जानी। फिर क्या थाने में सूचना करी आपने? हाँ की साहब। कोई आया था क्या? हाँ हाँ। क्या बताइए? बताइए थाने आना वहीं चौकी पे।